Delhi World Public School, India's #1 emerging school, जहाँ है academics, sports and performing arts का बेहतरीन combination. Admissions open from pre-nursery to 9th. अरे एक ही सीट पे तो सही आप तो रगड़ो भैया ऐसे काम नहीं करेगा। अभी अपने अध्यक्ष न्यायालयों में भी ये दिशा निर्देश जारी किए गए हैं कि अधिवक्ता और पक्षकार अगर कोर्ट में नहीं आते हैं तो उनके जो न्यायालय में मुकदमा विचाराधीन है उनके खिलाफ किसी तरह की एक पक्षीय कार्रवाई नहीं की जाए, इस तरह से हाईकोर्ट के डायरेक्शन है। साथ ही CMHO और नोडल जो ऑफिसर है, मेडिकल ऑफिसर है, उनको कहा गया है कि यहाँ पर आकर डॉक्टरों की एक विजिट की जाए और सब जगह उसकी जाँच की जाए। साथ ही क्लोरीन और जो सैनिटाइज़र हैं और ये सारी चीज़ें हैं, उन सब के द्वारा अधिवक्ताओं के लिए और पक्षकारों के लिए सारी व्यवस्था की जाए जिसके कारण ये कोरोना वायरस फैले नहीं। साथ ही जो बाबा रामदेव का जो एक उपाय है कि नीम की पत्ती उबालकर पानी रखा जाए, उसके लिए भी हमने ये प्रयास किया है कि नीम की पत्ती उबालकर और कई जगह पर रखवाया जाए पानी, जिससे लोग थोड़ी एक घंटे बाद धोते जाएँ। साथ में हमने साबुन की और इन सब की व्यवस्था की है जो चारों पाँचों कोने पर रख दी जाएगी, जिसके कारण जो भी अधिवक्ता न्यायालय में आए वो अपने हाथ धोगे हर एक घंटे और बाद, और जो पक्षकार है वो भी इसका इस्तेमाल कर सके। साथ ही हम ये प्रयास कर रहे हैं कि बार कार्यकारिणी इसमें बैठकर बैठक करें और इसमें ये तय करें कि 31 तारीख तक के सभी न्यायालयों में सारे जो कार्य हैं उन सभी में जिस भी कोर्टों में मुकदमे चल रहे हैं उनकी कॉमन डेट दे दी जाए, जिससे पक्षकार भी यहाँ न्यायालय में नहीं आए और अधिवक्ता भी न्यायालय में नहीं आए, क्योंकि जिसके कारण ये कोरोना वायरस फैले नहीं, क्योंकि अधिवक्ता और उन पक्षकार सभी के परिवार हैं तो उनके जीवन की रक्षा की भी जिम्मेवारी हम सब की है इसलिए। और ये अजमेर जिला सेशन कोर्ट है इसलिए सारे आसपास के लोग, बहुत सारे संभागीय स्तर के लोग यहाँ आते हैं, तो हमारा प्रयास है कि ये फैले नहीं। और इसी कारण हमने ये जो स्प्रे करने के लिए देवेंद्र सिंह शेखावत ने उपलब्ध कराया बार एसोसिएशन को, तो वो हम सभी जगह पर स्प्रे कर कर ये कोरोना वायरस नहीं फैले स्प्रेड कर रहे हैं और जितने भी अधिवक्ता है वो उसमें सहयोग प्रदान कर रहे हैं। जिस तरह पूरे वर्ल्ड के अंदर कोरोना वायरस ने एक महामारी का रूप ले लिया है और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी इसको एक महामारी का रूप दिया है और पूरे वर्ल्ड में 126 राष्ट्रों के अंदर कोरोना वायरस फैल चुका है और भारत में भी तेज़ी से फैल रहा है। उसी को लेके एहतियात के तौर पे आज हमने कोर्ट परिसर के अंदर स्पिरिट का और छिड़काव किया है। उसमें हमारे एक साथी अधिवक्ता देवेंद्र सिंह का भी सहयोग रहा है और पूरी कोर्ट परिसर को हम कोरोना मुक्त करना चाहते हैं और कोरोना वायरस से मुक्त कर देंगे और हमारे अधिवक्ता भाइयों को इससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। और उसी अभियान को लेकर आज हमने कोर्ट में एक कोरोना वायरस मुक्त के लिए एक अभियान छेड़ा है।